ऐसा नहीं है पब्लिक कम से यहाँ की महिलाओं में राशन कार्ड धारक बन चुका है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। तो क्या इस बार जो है अधिकारी और विभाग के लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या इनका लाइसेंस निरस्त होगा? मैं सुल्तान रिजवी डीडीएसपी नहीं बोलती कि मेरे को टारगेट किया जाता है। कौन टारगेट कौन कर रहा है आपको? फारूक भाई, फारूक भाई टारगेट कौन कर रहा है आपको? कौन टारगेट कर रहा है आपको? बोल रहे टारगेट किया जा रहा है, कौन टारगेट कर रहा है? देखिए औरतें बोल रही है, अभी आप कहाँ जा रहे हैं दुकान छोड़ कर? नंदू के घर नहीं आ रहा फारूक भाई, नंदू के घर से भी लिया मैं। देख रहा है वो कीड़ा कीड़ा बैठा है, देखो ये देखो ये देखो भी देखो, इतना कचरा इसने देखो, अब कचरा क्या कीड़ा था बहुत बात आ रही थी। शेर भाग रहे, शेर शेर भाग रहे उधर, और ऊपर से पब्लिक जब बोलने लगती है नीचे क्या फायदा? देखिए हम लोग बात सुनिए, जरा खराब है, देखो बात सुनिए जरा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के काका नगर चांद नगर इलाके में, और यहां पर आपको दिखा दें कि एक जो है सरकारी जो है राशन की दुकान है, और इसको चलाते हैं जो उनका नाम है फारूक अल्लाह रखा उनका नाम है। बहरहाल यहाँ पर जो कंप्लेन आ रही है वो राशन की कंप्लेन आ रही है, क्योंकि राशन जो है ये काफी घटिया किस्म का राशन है, इसमें कीड़े भी जो है देखे जा रहे हैं, और इसके अंदर से जो है काफी बास भी आ रही है। जो यहाँ पर राशन लेने वाले लोग हैं उनकी काफी शिकायतें यहाँ पर सामने आ रही है। इन लोगों का कहना है कि सिर्फ 3 दिन ही राशन दिया जाता है, जबकि इनको राशन देना चाहिए पूरे महीने का, और अगर राशन नहीं दे पाते हैं तो इन्हें अलग अलग तरह से अभी और जो है इनको बरगलाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर कुछ जो है राशन लेने के लिए जो लोग आए हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या ये पूरा जिस तरह से राशन दिया जा रहा है आप लोगों को, इसमें कीड़े नजर आ रहे हैं, बेहद ही घटिया क्वालिटी का ये राशन है। घटिया है, हम लोग को खाया पर नहीं जाता है, और कबूतर को देगा वो जानवर को नहीं खाएगा। लेके मांगता कबूतर को डाल दो, बोले बोले कबूतर को खिलाओ, हम लोग खाए। क्या क्या बोलते हैं पूरा बोलते बताइए ना, डिटेल क्या बोलो आप बोलो। वो अनाज लेके कबूतर को डालो बोलते हैं, हम लोग कबूतर को डालने के लिए 3-3 घंटा इधर लाइन लगाते हैं कि हम लोग कबूतर को डाले क्या, हम खाए, हम गरीब लोग है, पूरी पब्लिक हमारे रोती है वो अनाज देख के, लेकिन बोलते लेके जाओ यही मिलेगा, लेके जाओ। गेहूं में ऐसा है या फिर चावल और टाइम टेबल कुछ है नहीं राशन का, हम लोग को पूरा महीना आके 2-2 घंटा खड़े ना पड़ता है कि कब वो आएगा, तो कब राशन का दुकान खोलेगा और कब हमको ध्यान मिलेगा, हमेशा बंद रहती है। अच्छा, जो दाल उल वगैरह देते उसमें भी ऐसे ही रहता है? चावल में अच्छा, जो मंथली राशन आता है वो कितने दिन में आप लोग को दिया जाता है? ऐसी जानकारी आ रही है कि 2-3 दिन में देते, अगर 3 दिन में आप नहीं लेते हैं तो फिर दोबारा नहीं मिलता है। दुकानें बंद रहती है, दुकानें एकदम जैसा कि इधर कोई है नहीं, दुकानें पूरी बंद रहती है। आएंगे भी तो पता नहीं, 3 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद आओ, फिर हम बांट दिया, तुम आए क्यों नहीं, तो हमारा राशन कहाँ गया, तुम आए क्यों नहीं, हम बांट दिए, ऐसा है। किसको बांट दिया आपका राशन, किसको दे किसको दिए, वही तो हम पूछते, पूछो ना उसको किसको देता है हमारा राशन। अभी ये जो लॉकडाउन में फ्री फ्री आया वो भी किया, हमारे को दिया नहीं दिया ऐसा है, वो भी नहीं दिया तो राशन कैसे होता है? हमको जब हमारे राशन आया नहीं कार्ड में तो राशन खत्म कैसे होता है? बोले हमको हमारी देव करके बोलते नहीं तुम्हारी कार्ड तुम खत्म हो गए, खत्म कैसे हुआ, कार्ड का दो ना हमारा
बोलते नहीं है बात बेचिया यही बात है बात और कुछ नहीं। तीन दिन बांटेगा चार दिन देगा नहीं कार्ड में। आप भी राशन ले गया जी? राशन दिए नहीं हमारे क्यों है ना उनको बोला बास आ रही है इतना इसमें से इतना बदबू आ रहा है और ये इतना इसमें है कैसे आप लोग खाते कैसे कैसे मैं उसको बोला बास आ रही है बास आ रही है कहा जाता उनको मुझे ना कहा बोलता जाके म्यूनसिपालिटी में बताओ बास आ रही है तो जाके वहाँ बताओ हमको मत बोलो एक एक करके आप लोग बोलो तो बात समझ में आएगी एक एक करके बोलो आप लोग और राशन पूरा नहीं मिलता सिर्फ दो दो चीज मिलती है गेहूँ या चावल कभी कदर दाल मिलती है आज पहली मरतबा चक्कर में ओपन मतलब ये इतना इतना घटिया किस्म का ये राशन है इसमें से कीड़े निकल रहे हैं तो ये कैसे आप लोग खाते हैं इसको क्या करते हैं ले जाके क्या मैं इनको बोला बास आ रही है गेहूँ खराब है बोलता है जाके उधर बताओ हमको मत बोलो किधर बताओ बोलते है मेरे को मालूम नहीं बोल रहे जिधर जाने का उधर जाके बताओ मैं बोला उल्टी बात मत करो पर मेरे साथ में कंप्लेंट देने का जाके जो कंप्लेंट करने का क्या करने का किधर जाने का जाओ वही जो राशन है ये जो दुनिया भर का ये दबा दबा के रखते हैं पब्लिक को देते नहीं इसका विलेक करते हैं फिर बाद में जब ये चूहे उसमें आते हैं मुते यही राशन उठा के फिर पब्लिक को देते हैं बीमारी नहीं होगी तो ये क्या होगी हर महीने बराबर अनाज देना चाहिए ना हर महीने के महीने तो अनाज तो देते नहीं दुकान बंद करके महीनों महीनों चले जाते फिर आकर एक बार खोल के और जरा अनाज दे देंगे फिर उसके बाद भी बोलेंगे है नहीं जाओ खत्म हो गया तो ये क्या बात हुई गरीब इंसान अगर राशन कार्ड रहता तो उसको दो ना क्यों परेशान करते हैं मेरा तो छह महीने के बाद अभी पहला राशन है अभी देखो देता है दिया है उसने अब पता नहीं क्या है क्या नहीं राशन में क्या हम बात करेंगे जो इस राशन के दुकान के मालिक हैं फारूक भाई जिनका नाम है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और कि क्या है पूरा मामला फारूक भाई क्या है पूरा मामला जिस तरह खराब आपके यहाँ से जो गेहूँ दिया जा रहा है ये बेहद ही खराब है इसमें से बास आ रही है कीड़े पड़े हुए इसमें और आप दे रहे हैं किधर कीड़े हैं मेरे को बताओ ये बताओ ये किधर बास आ रही है और पैक गोनी है पैक गोनी खुल रही है पब्लिक के सामने पैक गोनी खोल कीड़े कहा ये देखिए ना कीड़े ये जो गिर रहा है ना ये जो गिर रहा है गोनी के अंदर कुछ कुछ आते ही राशन के गोनी के अंदर कुछ कुछ गोनी के अंदर सरकारी राशन द्वारा ऐसे कीड़े कीड़ों के साथ आ रहा अभी जो पब्लिक देख रही है पब्लिक के सामने गोनी खोल रहे उसी में से निकल रहे इन लोग का तो कहना है कि आप राशन भर के रखे रहे तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं फिर बांटते हो भाई ये 7 तारीख को अभी ये महीने में माल आया है इस महीने में 7 तारीख को मशीन नहीं चालू था इसलिए कल से चालू हुआ माल तीन ही दिन जो है कहना है कि आप कहते हो कि जो है 3 दिन में अगर नहीं लोगे तो राशन दे देंगे दूसरे को किसको दे देते हो राशन आप अंगूठा माल है किसी को माल दे नहीं सकते फिर उनको कैसे कह देते हो कि आपके राशन 3 दिन में अपना माल लेके जाओ वो टाइम पे फ्री वाला माल हुआ करता था आप 3 दिन क्यों देते हो वो टाइम पे फ्री वाला माल हुआ करता था तो फ्री वाले माल में कैसा होता था भाई फ्री वाला ही बांटना है ये भी बांटना है तो 3 दिन में आके अपना पीएचएस का माल ले जाओ फिर फ्री वाला बटेगा फिर फ्री वाला चावल आएगा फिर दाल आएंगी इसमें लेकिन जो आप जो पैसे लेकर दे रहे हैं उनको सिर्फ आप 3 दिन के टाइम क्यों दे रहे हो कि 3 दिन में अगर राशन आप नहीं लिए तो आपको राशन नहीं मिलेगा दिया मैंने आपको वो टाइम पे फ्री वाला माल अभी की मैं अभी तो बट रहा 3 दिन में मेरी पब्लिक हो जाती है 3 दिन में पूरा हो जाए मेरा ज्यादा कार्ड नहीं 200-250 कार्ड है नहीं अगर 3 दिन में कोई नहीं आया तो आप उसे नहीं दोगे नहीं देते ना भाई मैं 3 दिन का 14 दिन में देता है पब्लिक के लिए देते क्या ये नहीं नहीं कई बार लिए फारूक भाई 3 दिन के बाद कहां देते तुम फारूक भाई कितने बार नहीं रिटर्न गए हो 3 दिन हो जाता ना क्या बोलते 3 दिन में आप 3 दिन में देते क्या यार सर खत्म हो गए सब तो वही है हां 3 दिन ही देते ना तुम क्या बोलते 3 दिन में 3 दिन के बाद नहीं देते बोलते नहीं राशन हम लोग को इसके लिए सुबह से जग मार के यहाँ खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि 3 दिन के बाद नहीं मिलेंगे हम लोग को राशन इसके लिए सुबह से हम लोग यहाँ खड़े रहते हैं आज दो इनका कहना है 3 दिन में नहीं देते आप नहीं 3 दिन में कैसा होता है मालूम है अभी 3 दिन बढ़ गया इक्का दुक्का बचता है वो इक्का दुक्का बाद में आके लेके लेकिन अपने को कैसा बोलना पड़ता है 3 दिन में लेके जाओ तुम 3 दिन में लेके जाओ तो फ्री वाला बट्टा था फ्री वाला बट्टा था दाल आती थी चावल फ्री वाला बट्टा था बोलते कीड़े नहीं देखो मेरे हाथ में गेहूं है इसमें कीड़े हैं देखो ये कीड़े क्यों है ये गोली है मैं गोली के मामले खोलता है अभी नई गोली खोल के दिखा नई गोली खोल आप खड़े रहो देखो नई गोली गोली पैक गोली देखो देखो ये खाने जैसा है ये यहाँ से वहाँ तक यहाँ से इतना ऊपर का गोली डालता है ये यहाँ की जगह है इतनी वहाँ तो ऊपर बोली है अब ये गोली आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये सरकारी राशन की दुकान है और जो फारूक भाई उनका कहना है कि ये कीड़े जो इसमें है गोनी में ये गोनी सामने खोल रहे हैं इनका कहना है कि ऐसे ही गोनी में जो है ये सरकारी राशन इसी तरह से
बेहद ही घटिया क्वालिटी का ये जो है राशन है, गेहूं है, इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, कैसे लोग इसको खाते हैं। यहाँ तक कि जवाब जब ये इनसे पूछा जाता है, जो यहाँ के लोग हैं वो जब पूछते हैं कि आखिर ऐसा गेहूं क्यों आया है, कैसी ऐसा राशन, गंदा राशन क्यों दिया जा रहा है जो खाने योग्य नहीं है, तो इनके तरफ से कहा जाता है कि आप कबूतरों को खिला दीजिए। आप ऐसा कहते हैं इन लोगों को कि आप कबूतरों को खिला दो? मैंने नहीं बोला कबूतरों खिला दो, मैं क्या बोलूंगा ऐसा, मेरा वो बोलेंगे ये बात, ये बोलते हैं क्या ऐसे अभी तक तो नहीं मेरे बोलेंगे ये बात। और इनकी इस दुकान की कम से कम मेरे पास 20 से 25 कंप्लेंट है, और बीच में भी मैं आके चक्कर मार के गई हूँ कि पूछो, आई थी ना उस दिन भी आके मैंने बोला, वो लेडीज इतनी परेशान हो गई ना, आज 6 महीने से उसको राशन नहीं मिल रहा है। पूरे लॉकडाउन में आपकी सबसे ज्यादा आपकी दुकान की कंप्लेंट है, फारूक की दुकान की सबसे ज्यादा कंप्लेंट है, यहाँ से लेके तनवर नगर की दुकान तक। और एक साथ राशन प्रॉपर नहीं देते, लोगों का राशन कार्ड वेरीफाई नहीं करते, लोगों को गिनती का राशन नहीं देते, कम राशन देते, उसमें से बोलते जो मिल रहा ना वही लेके जाओ, और लोग जैसा लेडीज बहुत बड़ा ऐसा करते हैं ये। हाँ, ये तुम्हारा है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं है, जो आता है सामने बोलती है महिलाएं, सामने बोलती राशन लेने यही लोग आते हैं, क्यों ऐसा करते हो? क्या रुपए से आप गाली देते हो? मैं मैंने गाली की सुनी थी? कितने लेडीज बोल रहे हैं? नहीं नहीं, गाली देने आई थी वो तो अभी अभी अगर किसी आई थी ना बीच में, नहीं नहीं, आप राशन क्यों नहीं देते हो? जो कम्प्लेन इन लोगों ने किए है वो क्यों आज क्या ऐसा करते हो? आप राशन देना चाहिए, सरकारी राशन राशन है, राशन आया तो दे रहे क्या बोल रहे हैं? सेम राशन गवर्नमेंट का हर शॉप में आता है, बराबर है, तो ये शॉप में क्यों इतना गंदा राशन? नहीं नहीं, एक गाड़ी उतरती है मेरे सामने की बात है, आप क्यों नहीं कंप्लेन करते? जो राशन अधिकारी यहाँ पर आके देखे जाता है उस अधिकारी को आप कंप्लेन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं, ये इतना घटिया राशन ये क्यों नहीं उनको वापस करते कि हमारे लोग नहीं खाएंगे ये राशन? आपने शिकायत की उनसे, हम उनको दिखाते साहब लोग को भाई ये माल आया है, ये बांटना है, ये है, तो ऐसा कैसा? अरे क्या कर सकते हैं क्या? इतना खराब राशन है, कीड़े इसमें लगे हैं, आप पूरी जनता को खाने के लिए कीड़े वाला राशन दे रहे हैं, बोलो क्या कर सकते हैं अधिकारी? मिली जुली एक मिला जुला साठ गांठ है क्या आपका? नहीं भाई, साठ गांठ का फिर कैसे कर रहे हैं आप अधिकारी? कुछ नहीं कर सकते, राशन तुम्हारे हमने गोली खोला है, तुम्हें हमने गोली खोला तो इतना घटिया राशन है, आप वापस क्यों नहीं करते? बंद करता हूँ, सबको बोलता भाई वापस लेके जाओ, तो आप वापस करो ना, इतने लोग कैसे खाएंगे, इतना घटिया राशन कैसे खाएंगे? आज दो तीन महीने से आपकी कंप्लेन आ रही है, आज मैंने भी मेरा काम किया, जब मेरे को यहाँ से कमरे, मैं यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मुझे जब मेरे अध्यक्ष का फोन आया कि ऐसा ऐसा राशन बट रहा है, ये 3 महीने से लगातार आ रहा है फोन, मैंने भी आज अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आई, जब मैं इनको बोलने लगी तो मुझे बोलते साइड में आओ, मैं क्यों साइड में जाऊँ? इतना कंप्लेन है कि मेरे पास, अरे गरीब बच्चे, गरीब ये अनाज खाते हैं, अधिकारियों को भी आपने कंप्लेन किया, वो अधिकारियों को सब इन लोगों का सब मिला जुला झुट्टा है, ये अधिकारी भी इनसे मिले हुए है, जितने अधिकारी है ना सब इनके मिले जुले बट्टे, देखो जब ये खा रहे हैं तो वो भी खा ही रहे, बिना खाए तो कई डिपार्टमेंट में से नहीं किलो देते आप लोग को, ये 2 रुपया किलो, किसी को 2 रुपया, किसी को 10 रुपया, किसी को 8 रुपया, किसी को ब्लैक से जाता है। इनका जो राशन का डिपार्टमेंट है ना, उमूमन दुकानों में बनियाओं के जाता है, बनियाओं की दुकानों में पूरी गोनी की गोनियां जाती है, और ऐसा राशन कोई इंसान खा सकता है क्या? और ये राशन तो आया भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी राशन उठाई हूँ, मैंने भी राशन उठाई हूँ, इससे क्लियर राशन है, राशन में एक पत्थर तक नहीं, और इनके राशन में इतनी गंदगी कहाँ से आ रही? मैं जब दूसरी दुकान से राशन लेते एकदम साफ रहते, इनके दुकान का ऐसा ये गंदगी इतनी बात, और ये लोग क्या करते हैं? वो जानवर क्या करते हैं? दुकानें प्रॉपर खोलते ही नहीं है, पब्लिक आके चक्कर मार मार के पब्लिक हैरान हो जाती है। मैंने सर्वे किया, लोगों को पूछा भाई राशन कार्ड किधर है, लोगों ने बोला हमने राशन कार्ड पेटी में रख दिए, मैंने बोला क्यों रखे भाई, ये राशन कार्ड सबसे लीगल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बोले क्या करेंगे, दुकानों पे जाते दुकान वाला खड़ा नहीं करता, भगा देता है, जाओ अभी इधर जाओ, इसको ऑनलाइन करा के लाओ, इसको ऑफलाइन करा के लाओ, ये करा के लाओ, वो कर, ये लोग ऐसी परेशान करते हैं, कैंप भी लगाए थे, अब दो लोग बहुत ऑनलाइन करवा के ले ठीक है। आपने सुना कि किस तरह से जो ये राशन की दुकान है, सरकारी राशन की दुकान है, आप नजारा देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पर जो है राशन दिया जा रहा है, वो ड्राम में भी आप देखें कि गेहूँ, अपने कैमरामैन से चाहूंगा दिखाने के लिए कि नजदीक जाकर दिखाएं, वो जो ड्राम में गेहूँ रखा हुआ है उसमें कितने कीड़े हैं, कितने कंकड़ हैं, इसी तरह का जो है यहाँ पर ये राशन दिया जाता है, काफी लोगों की परेशानी है, जो जिस तरह से इन लोगों को राशन दिया गया है, इसमें काफी घटिया किस्म का ये गेहूँ है, इसमें कीड़े भी पड़े हुए हैं, लेकिन
ये जो यहाँ के ये राशन की जो चला रहे हैं जिनका नाम फारूक अल्लाह रखा है और इनका साफ कहना है कि ऐसे ही ये राशन जो है वहाँ से आता है। बहरहाल अगर इस तरह का घटिया राशन यहाँ पर आता है तो इनका काम बनता है कि इस राशन को वापस किया जाए, ना कि जो है इन जो राशन कार्ड धारकों को इस तरह का बेहद ही घटिया किस्म का राशन जो है इन्हें खाने के लिए दिया जाए। और जब ये शिकायत भी करते हैं फारूक से तो उनका साफ तौर पर ऐसा कहना रहता है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आप मत खाओ, कबूतरों को खिला दो, यानी कि बहुत ही बेतुका और घटिया किस्म का इनका बयान जो है लोगों के सामने आता है।